हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 3 के विषय अंग्रेजी के वार्षिक परीक्षा पेपर को। इससे पहले हमने हिंदी देखा है, गणित देखा है, अब हम देखेंगे अंग्रेजी विषय का वार्षिक परीक्षा पेपर। पूरा वीडियो ध्यान से केयरफुली देखिएगा ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल करें अपने अपने आने वाली एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करेंगे बिना देरी किए। यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट से 15 तक आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो 4 ऑब्जेक्ट टाइप दिए जाएंगे, जिसमें आपको करेक्ट ऑब्जेक्ट को चूज़ करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है एन ओल्ड लेडी वॉज गोइंग टू, यहाँ आ जाएगा आंसर ऑप्शन डी मार्केट। और एन ओल्ड लेडी वॉज गोइंग टू मार्केट, द ओल्ड लेडी सेड टू मीना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, थैंक यू। द मिनिस्टर वॉज वेरी नथिंग, यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वॉज वेरी, ना तो क्लेवर आएगा ना फूल ना स्टूपिड, यहाँ आ जाएगा नथिंग, कुछ नहीं उपयुक्त में से। वेक अप अर्ली इज अ गुड हैबिट, वी शुड थ्रो द गार्बेज एंड डस्टबिन, हमें गार्बेज कचरे को कहाँ पर फेंकना चाहिए, डस्टबिन में। चार भुजा नाथ मंदिर इज लोकेटेड मेड़ता, ठीक है, मेड़ता में स्थित है। द हिंदू नेम घना मीन्स थिक, घना यानी गहरा, थिक, ठीक है। द नेम ऑफ टू ट्रीज वर छिंटू एंड पिंटू, द वाइज ओल्ड वॉल्फ रेन टू कॉल लॉइन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 10 है। व्हाट वाज डिमांडेड बाय गुरु रामदास, यहाँ हो जाएगा मिल्क ऑफ टाइगर्स। हु स्टॉल द एग्स, तो यहाँ हो जाएगा कोबरा। द क्रो स्टॉल द प्रिंसेस रिंग, द सोल्जर्स किल्ड द कोबरा विद देयर स्पेयर्स, भगत सिंह वाज अ फ्रीडम फाइटर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रियल नेम ऑफ विजय सिंह पथिक वॉज, यहाँ हो जाएगा भूप सिंह, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सही शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यहाँ बहुत सारे शब्द दे रखे हैं और दिए गए रिक्त स्थान में आपको फिल करना है करेक्ट शब्द को। 16 टू यहाँ आपको मिलेंगे 30 तक सेंटेंस जिसमें आपको फिल करना है दिए गए वर्ड्स को। अरुण वॉज डूइंग हिज वर्क, वेस्ट पेपर और फूड दैट यू थ्रो अवे गार्बेज, वी सॉ एन एलिफेंट, एलिफेंट से पहले क्या आ जाएगा, ए आई ओ यू वोवल होते हैं, वोवल से पहले आपका आ जाता है एन आर्टिकल। नेशन और इसमें एल अगर जोड़ देंगे हम तो क्या हो जाएगा, नेशनल। मैजिक में एल जोड़ने पर क्या हो जाएगा, मैजिकल। वंस देयर वॉज टू ट्रीज, गॉड ब्लेस यू माई सन, ब्यूटी और फुल को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल। रेन और कोट को जोड़ने पर हो जाएगा रेन कोट। शिवाजी मिल्क द टाइग्रेस, भरतपुर इज द बर्ड्स वॉचर्स डिलाइट, उदयपुर इज द सिटी ऑफ लेक्स, झीलों की नगरी कौन है, उदयपुर। अपोजिट जेंडर ऑफ गॉड, गॉड का अपोजिट जेंडर हो जाएगा गॉडेस, देवता देवी, ठीक है। सागरमल गोपा वॉज अ फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी थे सागरमल गोपा। अ पर्सन हु राइट्स पोइम पोइट, कवि को क्या कहते हैं, पोइट। नेक्स्ट है निम्न कथनों के आगे ट्रू और फॉल्स को अंकित कीजिए, आपको ट्रू फॉल्स बताना है 31 से 40 तक। द किंग वॉज थर्स्टी, ट्रू। चार भुजा नाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन राजस्थान, ये भी ट्रू है, मेड़ता में स्थित राजस्थान के। मीराबाई ऑफर प्रेयर्स टू द ड्यूटी एवरी डे, ये भी सही है, ड्यूटी है ये यहाँ पर। द चाइल्ड रेन इन टू द हाउस, रॉन्ग। द महाराजा ऑफ भरतपुर कंस्ट्रक्टेड अ पूसा डैम, रॉन्ग। द ट्रीज एंड एनिमल्स वर फ्रेंड्स, ट्रू। अ वोल्फ इज द किंग ऑफ जंगल, रॉन्ग। लॉइन है जंगल का राजा तो कौन था, लॉइन। शिवाजी वॉज द डिसिपल ऑफ जीजाबाई, रॉन्ग। द कोबरा डिड नॉट स्टील एग्स, रॉन्ग। कोबरा ने स्टील किए थे एग्स को, तो यहाँ डिड नॉट की जगह डिड आता, ठीक है। प्रताप सिंह भराट वॉज अ फ्रीडम फाइटर, ट्रू। मिलान करना है अब 41 से 50 तक, चित्रों को उनके वर्ड से आई को मिलान कर देंगे, आई के चित्र से पिक्चर से पेन को मिलान कर देंगे, पेन से फ्लावर को मिलान कर देंगे, फ्लावर से चेयर को मिलान कर देंगे, चेयर से एलिफेंट को मिलान कर देंगे, एलिफेंट से मैंगो को मिलान कर देंगे, मैंगो से बुक को मिलान कर देंगे, बुक से पिकॉक को मिलान कर देंगे, पिकॉक से कॉम को मिलान कर देंगे, कॉम से और लेडी फिंगर को यानी भिंडी को मिलान कर देंगे, भिंडी से, ठीक है।
और लास्ट क्वेश्चन है, बिंदु मिलाकर चित्र का निर्माण कीजिए और रंग भरिए। यहाँ पर हम बिंदु मिलाएंगे, ए बी सी डी मिलाएंगे हम यहाँ पर। तो यू तो आपको दे रखा है ए बी सी डी, तो यहाँ मिलाते हुए जैसे ही जाएंगे तो इस तरह से ये ड्रॉ हो जाएगा पिक्चर। क्यूट सा एलिफेंट बनेगा जिसमें आपको कलर फिल करना है और इन्जॉय करना है इस क्वेश्चन को। तो ये था कम्प्लीट पेपर आपके सब्जेक्ट इंग्लिश का। उम्मीद है आपको पूरा पेपर समझ आया होगा। तो आने वाली एग्ज़ाम के लिए सभी स्टूडेंट्स को हमारे चैनल की ओर से बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको लगता है हमारे चैनल के थ्रू थोड़ा भी आपको लाभ मिला है, प्रॉफिट हुआ है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और भी न्यू वीडियोस आपके लिए यूज़फुल वीडियोस बनाते रहने की। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।